दोस्तों, अब आपके सामने आने वाले कवि, साहित्यकार एवं चिंतक हैं दिल्ली के भाई गोविंद व्यास। समय का तकाजा है कि भाई गोविंद जी इस मंच पर आएं। मैं भाई गोविंद जी को आमंत्रित करता हूं। मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि ये व्यवस्था काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये व्यवस्था काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पर लात मार रही है और हम वफादारी के साथ दुम हिला रहे हैं। एक वे हैं जो रोटी की जगह गोलियां खाकर मर रहे हैं, एक हम हैं जो सत्य को कहने तक में भी डर रहे हैं। मेरे समूचे वतन को कैंसर हो गया है और हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं। एक छोटी सी कविता सिर्फ एक मिनट की सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस मानसिकता से कविता लिखता हूं वो मुझे मिल रही है, इसलिए वो कविता सुनाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। मेरे बेटे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए, वरना सपेरों के देश की ये जहरीली सभ्यता तुम्हें आस्तीन के सांप जैसा बना देती। वरना सपेरों के देश की ये जहरीली सभ्यता तुम्हें आस्तीन के सांप जैसा बना देती, और कोहनू के बैल वाली ये कुबड़ी व्यवस्था तुम्हें तुम्हारे बाप जैसा बना देती। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। तुम नहीं जानते ये वो देश है जहां रूसी मेहमान के आने पर लोग मारे खुशी के फूल जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर ताशकंद में जान देने वाले का नाम भी भूल जाते हैं। ये वो देश है। मैं मानता हूँ यदि तुम पैदा होकर नेता बन गए होते तो किसी सोफे पर पड़े। अब देखिए कविता शुरू होती है, इसको बहुत मन से सुनिएगा। मैं मानता हूँ यदि तुम पैदा होकर नेता बन गए होते तो किसी सोफे पर पड़े भाषण दे रखे होते, और ईश्वर ने तुम्हें जनता बना दिया होता तो किसी चौराहे पर खड़े राशन ले रखे होते। आखिरकार वही होता जो होता आया है, हर जवान खून एक बदबूदार पसीने की लाश को धोता आया है। यानी तुम भी अपने पुरखों की तरह परिवर्तन की आड़ में सुविधा की तलाश कर रहे होते, बनी बनाई सड़कों को छोड़कर पगडंडियों की तलाश कर रहे होते। कोई तुमसे पूछता तो तुम्हारा उत्तर यही होता, हमारे पुरखे हमारे नाम ऐसी वसीयत कर गए। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। मेरे बच्चे, अभिमन्यु आखिरी है। अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसने सीख ली थी चक्रव्यूह तोड़ने की कला, पर हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरे बेटे जब तुम गर्भ में थे तो मैं तुमको यह भी ना सिखा सका कैसे घोटा जाता है इस कीचड़ में सनी हुई व्यवस्था का गला, जिसने मेरे तन को भिखारी, मेरे मन को शिकारी और मेरी आत्मा को जुआरी बना दिया है। मुझे मत कोसना मेरे बच्चे, इसमें मेरा क्या कसूर है। इन परिवार नियोजन वालों ने निरोध बांट बांट कर मेरे दृष्टिकोण को निरोधी बना दिया था। तेरे जन्म से पहले ही मुझे तेरा विरोधी बना दिया था। मुझे तेरी मृत्यु का कोई दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि अब मेरा भी मरण होने वाला है। इसीलिए मैंने वो नक्शा फाड़ दिया है जहाँ दूध और घी की नदियां बहती थी। यहाँ तो अटक से कटक तक भ्रष्टाचार के नाले बहते हैं, जिसमें नेताओं और अफसरों के खानदान कछुओं की तरह तैरते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली थे जो इन नालों में डूबने से पहले ही तर गए। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ। देखिएगा मित्रों, एक कविता मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनाना चाहता हूँ, आपके लिए कभी नहीं सुनाई है। और ये कविता बिल्कुल, मैंने देखा कि मेरे कविता लिखने का अंदाज जिस तरह का, उसको आप उस रूप में सुन रहे हैं, इसलिए मेरी हिम्मत पढ़ लिया, सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये कविता है बहुत छोटी सी, आधा मिनट की कविता, बल्कि एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं जल्दी पढ़ता हूँ इसलिए आधा मिनट में खत्म करता हूँ, लेकिन आप इसके मर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें 10-5 मिनट भी लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। मनर जी, ऐसा है कि 10-5 मिनट वाले काम तो आप बुजुर्ग हैं, आप ही कर सकते हैं। हम तो एक आधे मिनट में ही सब काम कर लेते हैं। अब ऐसा है कि मैं एकता शबनम की माँ तो हूँ नहीं। अच्छा सुनिएगा, ये आप थोड़ा, ये मैं मनर जी, असली में क्या है कि ये मुझसे बहुत कम
मजाक करते हैं और मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। पता नहीं वो हो कैसे जाती है, समझ में नहीं आती। मैं आपको बहुत गंभीर, देखिए एक बड़ा मार्मिक व्यंग सुना रहा हूँ आपको, सुनिएगा। इसमें क्या है कि हम लोग, बड़ी लड़ाई की बात होती है, बोले पाकिस्तान पर झंडा गाड़ लो, चीन से भूमि वापस ले लो, बांग्लादेश ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, कह देना बड़ा आसान है। लेकिन जो आदमी, जो देश का सिपाही हमारे लिए युद्ध लड़ता है और लड़के हमें युद्ध जीत के देता है, उसको हम बदले में क्या देते हैं, ये कविता है। एक मिनट की कविता, मुश्किल से भाई साहब आप बैठ जाइएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ये सुना रहा हूँ कि ये कविता है, उधर मत देखिए, ये कविता उस सिपाही के लिए है, सिपाही मुझसे और आपसे बात कर रहा है, जो युद्ध जीत के लाया वो मुझसे और आपसे एक सवाल कर रहा है, आप उस सवाल का जवाब दे सके तो मैं आपका आभारी होऊंगा। और ये कविता मैंने तब लिखी कि मैं एक दिन यूनिवर्सिटी से आ रहा था, युद्ध होके चुका था, और युद्ध होने के बाद एक 12-13 साल का लड़का रिक्शा चला रहा था। मैंने कहा बेटा तुम्हें ये पढ़ने की उम्र है, तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? बोले मेरे पिताजी मर गए। मैंने कहा तुम्हारे फादर की डेथ हो गई? बोले क्यों? बोले साहब अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बोले मैं कहा तुम फिर रिक्शा क्यों चलाते हो? पर तुमको सरकार ने मदद की होगी जरूर। बोले साहब हाँ, मेरी माँ को एक सिलाई की मशीन दी है और 250 रुपया कुल हमको मिला करके मिला है, और मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी 3 छोटी बहनें हैं। तो ये उसने मुझसे कहा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात के बाद, और मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, उसको आप सुन लीजिएगा। सिपाही का दर्द आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। सिपाही कह रहा है कि चुप रहूं, कि चुप रहूं तो वेदना अंतर में रोती है, चुप रहूं तो वेदना अंतर में रोती है, और बोलता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, बोलता हूं तो बहुत तकलीफ होती है। मैं लुटाऊं प्राण अपने इसलिए कि देश की सामान्य जनता मोमबत्ती के लिए लाइन लगाकर ब्लैक में कीमत चुकाए, मैं गवाऊं जान अपनी इसलिए कि चाय चीनी बोरियों में बंद हो गोदाम की शोभा बढ़ाए, वो कमाए नोट संकट की घड़ी में, वो कमाए नोट संकट की घड़ी में, और मैं इस हड़बड़ी में जिंदगी को मौत का पर्याय कहकर मोर्चे पर दूं परीक्षा, ये कहां का न्याय मेरे देश बोलो, ये कहां का न्याय युद्ध के सत्य बोलो, ये कहां का न्याय युद्ध के सत्य बोलो, कि मशालों को मशालों को बुझाने आ रही जो आंधियां, उन आंधियों में देश का दीपक जलाऊं मैं, बर्फ की वादियों के डूबते आकाश में बारूद का सूरज उगाऊं मैं, बारूद बर्फ की वादियों के डूबते आकाश में बारूद का सूरज उगाऊं मैं, और वहां वे लोग हैं जो राष्ट्र रक्षा कोष में भी ब्लैक का धन दे रहे हैं, और धन ये अखबार वाले जो कि भामा शाह की संतान इनको कह रहे हैं, ये असंगत क्यों बता दो देश मेरे, ये असंगत क्यों बता दो देश मेरे। मैं यहाँ लोहू बहाकर देश की जय बोलता हूँ, और वे भाषण सुनाकर देश की जय बोलते गए, मैं यहाँ जीवन खपाकर देश की जय बोलता हूँ, और वे फोटो छपाकर देश की जय बोलते गए, ये असंगत क्यों बता दो देश मेरे, ये असंगत क्यों बता दो देश मेरे। कि युद्ध के नाजुक क्षणों में जेब कतरों ने सुना जेबें नहीं काटी, और ब्लैक आउट में नहीं की चोर ने चोरी, मगर इन देशभक्तों ने छिपाया तेल मिट्टी का बड़ा ही टॉर्च की कीमत, सभी कुछ गोल कर डाला, जहर अनमोल कर डाला, किया बाजार को काला, अब चुप रहूं तो वेदना अंतर में रोती है, बोलता हूं तो बहुत कविवर गोविंद व्यास दिल्ली निवासी, आक्रोश की कवि जिन्हें पूरा देश मानता है, बहुत अच्छी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। एक और इनके परिचय में मैं बता दूं, वहाँ दिल्ली में कॉलेज में प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, तो मैं बड़ी आस्था से एक बात श्री गोविंद जी को कहना चाहता था कि एक स्टूडेंट, एक छात्र अपनी कक्षा में प्रथम आया तो अध्यापक ने बुलाकर उसकी पीठ को थपथपाया और कहा बेटे प्रतिज्ञा करो कि अगले वर्ष भी अपनी कक्षा में तुम ही प्रथम आओगे, प्रतिज्ञा करो कि अगले वर्ष अपनी कक्षा में तुम ही प्रथम आओगे। स्टूडेंट बोला सर आप भी प्रतिज्ञा करें कि इम्तिहान के पर्चे मेरे बड़े भाई की प्रेस में ही छपवाओगे। ये अलग राज की बात थी। और आज के नेताओं पर बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, अफसरों पर बड़ी बातें कही जाती है, नेताओं पर एक बात अलग ढंग से कह रहा हूं, सबसे अलग ढंग से। एक आदमी ने अपनी मन की वेदना कही कि किस्मत क्या आपका क्यों नहीं साथ देती, बहुत सा काम करता हूं किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती,
तो उसने एक शब्द कहा, एक शेर कहा कि कोशिश तो हजारों करता हूं पर साथ नहीं किस्मत देती। कोशिश तो हजारों करता हूं पर साथ नहीं किस्मत देती, अच्छा होता गर किस्मत भी मंत्री की तरह रिश्वत लेती। अच्छा होता गर किस्मत भी मंत्री की तरह रिश्वत लेती, अच्छा होता अगर मंत्री की तरह रिश्वत लेती। ये अलग ढंग से बात थी, लेकिन इस बात को और उजागर कर सकता है कोई व्यक्ति तो उसका नाम है रामदास फुटाणे। जोर से आप कट्टर ध्वनि करें कि मराठी भाषी भी हिंदी में कितनी अच्छी कविता लिख सकता है। धन्यवाद। जिनकी ऊपर निष्ठा थी, जिनकी ऊपर निष्ठा थी उनको प्रतिष्ठा मिली, जिनकी ऊपर निष्ठा थी उनको प्रतिष्ठा मिली, जिनको प्रतिष्ठा मिली उनकी प्रतिभा ने उनको प्रतिष्ठान दिया। भाई बहुत अच्छा। जिनकी ऊपर निष्ठा थी उनको प्रतिष्ठा मिली, जिनको प्रतिष्ठा मिली उनकी प्रतिभा ने उनको प्रतिष्ठान दिया, इसमें बुरा क्या किया। जिनको प्रतिष्ठान मिला उनको चंदा मिला, जिनको प्रतिष्ठान मिला उनको चंदा मिला, राजनीति के साथ साथ एक नया धंधा मिला। जिनको प्रतिष्ठान मिला उनको चंदा मिला, राजनीति के साथ साथ एक नया धंधा मिला। परमिट उनके हाथ में थे इसलिए चंदा देने वाले उनके साथ में थे, परमिट उनके हाथ में थे इसलिए चंदा देने वाले उनके साथ में थे। आपके हाथ में क्या है, भारत का भविष्य। उन्होंने गरीबों को रोटी का चित्र बताया, उन्होंने गरीबों को रोटी का चित्र बताया, आप क्या दिखाओगे, सैंडविच का। अरे जब वे थे तब वे भी खाते थे, अब ये है तो ये भी खाते हैं, खाने की चीजें खाते हैं। जब वे थे तब वे भी खाते थे, अब ये है ये भी खाते हैं, खाने की चीजें खाते हैं। कोई कैश में ऑन खाता है, कोई ऑन में चेक खाता है, चुनाव इन्हें खाता है, ये चुनाव के लिए खाते हैं। अरे चुनाव नहीं होता तो कौन यहाँ आता, चुनाव नहीं होता तो कौन यहाँ आता, और चुनाव के नाम पर कौन नहीं खाता। अगर ये जहर है तो आप इतना ही समझ लीजिए, गरीबों के लिए बेचारे जहर खा रहे। जो खाता है वह गाता है, अल्लाह के नाम पे दे जाता, परमिट के नाम पे दे जाता, अल्लाह के नाम पे दे जाता, परमिट के नाम पे दे जाता। अल्लाह परमिट है, परमिट अल्लाह है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। अल्लाह परमिट है, परमिट अल्लाह है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। चलो हम भी खा लेंगे, चलो हम भी खा लेंगे, प्रारंभ से अंत तक खा लेंगे, प्रारंभ मैं लेता हूं, अंत तू ले, अंत तू ले, अंत तू ले। श्लेष में कोई बात कहना, और श्लेष में एक और, चलिए बड़ी खुशी की बात है। मैं तो केवल एक को सुनाते हुए इसलिए डर रहा था कि क्या पता लोग क्या समझें कि किस कितने नए नए कवियों को ये आदमी मंच पे ला रहा है। लीजिए दो मुक्का, केवल दो बात, छोटी छोटी कटपीस की, इसकी किताब का नाम है कटपीस, छोटी छोटी दो कटपीस सुनाने के लिए आ रहे हैं रामदास फुटाणे। एक ही कटपी सुना रहा हूं, उन्होंने दो की लेकर आए। कि था बेच रहा कटपी साथ पर, था बेच रहा कटपी साथ पर, कोई बनिया फुटपाथ पर, पब्लिक को उसने टटोला, चिल्ला चिल्ला कर वह बोला, क्यों जाते भैया दुकान में, क्या रखा है वहां थान में, क्यों जाते भैया दुकान में, क्या रखा है वहां थान में, पूरा थान ना ले पाओगे, काट के कपड़ा ले जाओगे, पूरा थान ना ले पाओगे, काट के कपड़ा ले जाओगे, कपड़े को काटेगा दर्जी, जैसी होगी उसकी मर्जी। तो बोलो अम्मा बोलो भाई, बोलो अम्मा बोलो भाई, कटपिस की इस दुनिया में चीज कौन सी अखंड आई, पर्ण फूल डाली के टुकड़े, पर्ण फूल डाली के टुकड़े वृक्षों ने बाहों में पकड़े, इसी वृक्ष को काट काट कर टेढ़ी सीधी छांट छांट कर फर्नीचर बन गया हमारा, कटपिस का है खेले सारा, बूंद कटपिस है धारा की,
बूंद कटपिस है धारा की, धारा कटपिस है बादल की, बादल कटपिस है सागर का, सागर कटपिस है धरती का, धरती के कटपिस को कहते देश हमारा, देश हमारा, देश के कटपिस को कहते प्रांत हमारा, प्रांत हमारा, प्रांत के कटपिस को कहते जिला हमारा, जिला हमारा, जिले के कटपिस को कहते गांव हमारा, गांव हमारा, गांव के कटपिस को कहते घरे मेरा, घरे मेरा, घर के कटपिस को कहते तनहे मेरा, तनहे मेरा, अरे नातन तेरा, नातन मेरा, माँ बाप के कटपिस है हम। नातन तेरा, नातन मेरा, माँ बाप के कटपिस है हम, बच्चा है कटपिस हमारा। नातन तेरा, नातन मेरा, माँ बाप के कटपिस है हम, बच्चा है कटपिस हमारा, कटपिस है सेज हमारी, कटपिस है मेज हमारी, कटपिस का है कफन हमारा, कटपिस में है दफन हमारा। कटपिस है सेज हमारी, कटपिस है मेज हमारी, कटपिस का है कफन हमारा, कटपिस में है दफन हमारा, कटपिस से ना नफरत करना, पूरे स्थान पर कभी न मरना। कटपिस से ना नफरत करना, पूरे स्थान पर कभी न मरना। चिल्ला चिल्ला कर वह बोला, भेद सभी सृष्टि का खोला, जोड़ी कहीं पर कहीं अकेला, दुनिया है कटपिस का मेला, कटपिस ले लो, कटपिस ले लो। अभी आप रामदास सुकाने को सुन रहे थे। मुझे उस समय की याद आती है जब से ये बंबई में अध्यापकी कर रहे थे, फिर ये पुणे में चले गए, वहां फिल्म निर्माण कर रहे हैं मराठी में, बहुत अच्छा फिल्म निर्माण का धंधा है, जानते हैं आप। एक बार ये बहुत अच्छा सूट पहनकर बाजार में जा रहे थे, मुझे मिले, मैंने कहा रामदास जी बड़ा अच्छा सूट पहन रखा आपने, आपने किस दर्जी से सिलवाया है? तो रामदास ने कहा, मनोहर जी मैं पता तो उसका बता दूंगा, लेकिन आप दर्जी को मेरा पता मत बताना। मैं कुमारी नूतन कपूर, जो दिल्ली में एमए पास कर चुकी है इस वर्ष, पिछले साल आई थी तब मैंने कहा था एमए की छात्रा है, अब इस साल पास कर चुकी है, बहुत अच्छे अच्छा स्थान यूनिवर्सिटी में इसे प्राप्त हुआ है, दिल्ली निवासी है, पूरे देश के कवि सम्मेलनों में अपनी मधुर वाणी और ओजस्वी कविता से अपना रंग जमाती है। मैं नूतन कपूर से इन शब्दों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि छोटी शामें लंबी रातें, आओ इनका फर्क मिटा दो, अरे सुनने वाले बहुत है प्यासे, नूतन बनकर रस बरसा दो। आप जोर से नूतन के सम्मान में कि जीते चाहे आई, जीते चाहे आई, चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। जीते चाहे आई, चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। भाषणों का शोर घन घोर चारों ओर, और हमें इस शोर को विभोर होके सहना है। जीते चाहे आई, चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। भाषणों का शोर घन घोर चारों ओर, और हमें इस शोर को विभोर होके सहना है। नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारों, आप बीती की प्रतीति है कि अभी सहना है। नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारों, आप बीती की प्रतीति है कि अभी सहना है। वो कैसी ये विवशता है, वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। कैसी ये विवशता है, वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। और दूसरा छंद, हमारी पीढ़ी का दर्द, और हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप इन पिछले 34 वर्षों में क्या हो गया? परिभाषाएं आप लोगों ने बहुत पढ़ी, बहुत सुनी, हमारे नेता बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप इन 34 वर्षों में क्या से क्या हो गया, वो आप इस छंद में सुन लीजिए। कि गांधी को पढ़ा है, गांधी को पढ़ा है, और जेपी को सुना है खूब, मेरी तो समझ में ना आया लोकतंत्र है। गांधी को पढ़ा है और जेपी को सुना है खूब, मेरी तो समझ में ना आया लोकतंत्र है। वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, फाइलों की गोद में समाया लोकतंत्र है। वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, फाइलों की गोद में समाया लोकतंत्र है। पाया नहीं संसद सड़क या की झोपड़ी में, चोरों जमाखोरों ने छुपाया लोकतंत्र है। पाया नहीं संसद सड़क या की झोपड़ी में, चोरों जमाखोरों ने छुपाया लोकतंत्र है। वो मांगने पे मिली नहीं रोटी, जब दोनों वक्त भूखी क्रुद्ध पीढ़ियों ने खाया लोकतंत्र है। मांगने पे मिली नहीं रोटी, जब दोनों वक्त
और बाकी छंदों में मैं थोड़ा सा प्रसंग बदल रही हूँ। कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों के पास ज्ञान का संदेश देने के लिए, और गोपियां चूंकि दूर थी उनसे, इसलिए प्रेम की जो तीव्रता थी वो ज्यादा बढ़ी हुई थी। उद्धव की ज्ञान की कोई भी बात सुनना जब वो गवारा नहीं करती, तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हुई उद्धव के आने पर और उनकी ज्ञान की बातें सुनने के बाद, उन पर ये आप छंद सुन लीजिए। पहला छंद, उद्धव की बात सुनने के बाद वो कृष्ण से एक बात कह रही हैं। उद्धव आए, उनको बिचौलिया नजर आया दोनों के प्रेम में। बिचौलिया प्रेम में आज जितना बुरा लगता उतना उस वक्त भी बुरा लगता था। तो उद्धव के लिए वो एक बात कह रही है, सुन लीजिए। कि ये भी कोई कायदा है वायदा न पूरा करे भेजे एक दूत जो कि दुश्मनों सा लगता। ये भी कोई कायदा है वायदा न पूरा करे भेजे एक दूत जो कि दुश्मनों सा लगता। ज्ञान की तो बात करे तीन हक आगे बढ़ प्रेम का वो नाम सुन पीछे पीछे भगता। ज्ञान की तो बात करे तीन हक आगे बढ़ प्रेम का वो नाम सुन पीछे पीछे भगता। ब्रज के निकुंज कुंज गली विथियों के बीच कान प्रेम कान प्रेम कान प्रेम पगता। ब्रज के निकुंज कुंज गली विथियों के बीच कान प्रेम कान प्रेम कान प्रेम पगता। ओ जान के अनाथ नाथ आपका परम मित्र भोली भाली गोपियों को खुलेआम ठगता। जान के अनाथ नाथ आपका परम मित्र भोली भाली गोपियों को खुलेआम ठगता। और दूसरा छंद, आप इस छंद की भाषा पे गौर करें, जितनी रवानगी इस छंद की भाषा में शायद मेरे किसी छंद में नहीं है। मैंने उन्हें नेह किया मैंने उन्हें नेह किया उन्होंने स्नेह किया प्राण से भी प्यारा पहले प्यार का ये प्यारापन। मैंने उन्हें नेह किया उन्होंने स्नेह किया प्राण से भी प्यारा पहले प्यार का ये प्यारापन। तब मैं विचरती थी अब मैं भटकती हूँ मुझको कचोटता है मेरा बंजारापन। राधे की व्यथा की कथा कोई नहीं जानता है सिर्फ वही जानता है मेरा ये बेचारापन। राधे की व्यथा की कथा कोई नहीं जानता है सिर्फ वही जानता है मेरा ये बेचारापन। ओ छोड़ ब्रज धाम शाम गए जिस शाम उस शाम से ही बढ़ गया आंसुओं में खारापन। छोड़ ब्रज धाम शाम गए जिस शाम उस शाम से ही बढ़ गया आंसुओं में खारापन। और तीसरा छंद, निरंतर गोपियों से उस वक्त एक प्रश्न किया गया कि यदि तुम कृष्ण के प्रेम में इतना ज्यादा व्याकुल हो तो स्वयं जाके उनसे क्यों नहीं मिलाती, क्योंकि गोकुल से मथुरा कोई बहुत दूर नहीं था और गोपियां रोज वहां दूध दही बेचने जाती थी लेकिन कृष्ण से मिलके नहीं आती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था प्रेम में स्वाभिमान। तो इस बात को और उद्धव के ज्ञान की बातों का खंडन गोपियां कर रही हैं, वो सुन लीजिए। वो ज्ञान के पुजारी उद्धव के लिए कह रही है, वो ज्ञान के पुजारी तेरी मती गई मारी मूढ़ जानता नहीं है तू महत्व अश्रुपान का। वो ज्ञान के पुजारी तेरी मती गई मारी मूढ़ जानता नहीं है तू महत्व अश्रुपान का। ज्ञान है दुकान प्रेम कांच का मकान और गोपियों का मान बढ़ी आन बान शान का। ज्ञान है दुकान प्रेम कांच का मकान और गोपियों का मान बढ़ी आन बान शान का। गोकुल से मथुरा की दूरी सिर्फ 5 कोस जानते हैं फिर भी ये प्रश्न स्वाभिमान का। गोकुल से मथुरा की दूरी सिर्फ 5 कोस जानते हैं फिर भी ये प्रश्न स्वाभिमान का। वो होंगे सम्राट वो विराट ठाट बाट पर गोपियों का प्रेम भाव पात्र नहीं जानता। होंगे सम्राट वो विराट ठाट बाट पर गोपियों का प्रेम भाव पात्र नहीं दान का। और अंतिम क्षण, इसमें आप गोपियों की खींच देखिए कि उद्धव का बैठना तक जब उनको गवारा नहीं होता तो सखियां आपस में क्या बातचीत करती हैं कि किसकी इजाजत से घुसा ब्रज मंडल में आओ सखी इसका कमंडल झपट ले। किसकी इजाजत से घुसा ब्रज मंडल में आओ सखी इसका कमंडल झपट ले। किसने बुलाया और किसने बिठाया इसे ऐसी महामारी से तनिक दूर हट ले। किसने बुलाया और किसने बिठाया इसे ऐसी महामारी से तनिक दूर हट ले। आज ज्ञान भावना में युद्ध का मसान होगा चलो प्रेम पुस्तिका के पृष्ठों को उलट ले। ज्ञान और भावना में युद्ध का
दोस्तों, नूतन कपूर की इस सामयिक रचना के बाद अंत में आपके सामने आ रहे हैं राजस्थान के लाडले कवि भाई सुरेंद्र शर्मा। एक कविता रचना को शीर्षक है 60,000 को ब्याह। 60,000 को है? 60,000 को, 60,000 को ब्याह। कहीं दहेज से जो ब्याह करें क्या हालत हो गए। मेरे दोरे बापू आयो, बोलो बेटा तेरे रिश्ते के बारे में कोई आया है। ब्याह में 60,000 रुपया नगद लगावेंगा, पर उनकी छोरी थोड़ी मोटी सी है, दिख जावे तो हाँ भर दीजिए। मैं बोलो जी जब 60,000 से ही ब्याह करना है तो लड़की ने के देखूंगा। सो मैं हाँ भर दी, पर जब मैं लड़की आड़ा के दरवाजे पहुंचो तो लड़की ने देख के आइया लागो जइया कोई ताड़का आ गई हो। पर या सोच के कि या ताड़का 60,000 रुपया की पुड़िया साथ लावेगी, मैंने उमें हेमा मालिनी किसी शकल दिखाई देने लगी और मैं माला डलवा ली। फेरा पे पंडित बोलो जी अब थे 7 बार चक्कर काटो। मैं बोलो रे पंडित तू 7 बार की कवाहा, अब तक मैंने 60 बार चक्कर आ गया है, एने कह दे या काट लेगी। पण जवा मेरे पीछे से घूसो मारो तो मैं आगे जो लियो। फिर पंडित बोलो जी अब थे वचन भरो कि थे पराई औरत ने गलत नजर से कोनी देखोगा। मैं बोलो रे पंडित तू पराई की कवा में अपनी ने भी कोनी देखूंगा। इतनी सुनता ही वह गुस्सा में आई, बोली जी थे मैंने जलानो चाहो हो, सो थे मेरी बात सुन लो, मैं थारे अलावा सबने अपनो खसम समझूंगी। मैं बोलो तू तो बहुत समझला, पर कोई राजी हो जब ना। फिर पंडित बोलो जी थे क्यों झगड़ो करो हो, थे जीवन गाड़ी का 2 पहिया हो, अब चैन से अपनी जीवन गाड़ी खेचो। मैं बोलो रे पंडित तेरो तो दिमाग ही खराब हो गयो, अरे जय गाड़ी में 1 पहियो साइकिल को हो, दूसरो ट्रैक्टर को हो, वह गाड़ी कहीं चलेगी। तो मेरो सुसरो बोलो जी 60,000 लिया तो चलेगी, पण पैरावनी पे बापू आयो, बोलो बेटा मुश्किल होगी, जो बहू का जेवर बनवाया था वह छोटा पड़ गया। मैं बोलो जी या तो कोई मुश्किल ही कोनी, जो थे आता की चूड़ियां बनवाई थी उन्हें अंगूठी कह करके दिखला दो। और गड़ा का हार ने थे दस्तबंद बतला दो, और तागड़ी ने थे गड़ा को हार बता दो। पण विदा पे मेरे धोरे साड़ो आयो, बोलो शर्मा जी मेरी भाण को ख्याल रखियो। मैं बोलो भाया चिंता मना करा, जइया तेरी वइया मेरी, पर जै कार में लड़की ने ले जानू तो वह कार वालों भी दग गयो। बोलो जी मेरी कार में ट्रैक्टर को नहीं जा सके, पर मारा दोस्त भी वक्त पे बहुत काम आवे हैं, एक जल्दी से जाकर के ट्रक ले आयो, दूसरो जाकर के क्रेन ले आयो, और मेरी घराली ने क्रेन से उठा करके ट्रक में पटकी, और मैं ट्रक के टूल बॉक्स में पड़ो पड़ो या सोचे थो कि घर जाता ही है के चारे को इंतजाम कराना पड़ेगा। पर तभी ट्रक के एक झटको लागो, और झटको लगता ही मेरी आंख खुल गई, और मैं या सोची देखो सपना में भी कैसी शादी कराई, 60,000 को कैसे ब्याह। क्या बात है।